थॉट्स मच्छरों का यमराज कौन महाजीवन की शुभेच्छा रखने वाले खोजियों आप सबको शुभेच्छा इच्छा हैवी थाट्स आते ही सवाल पूछा गया मच्छरों का यमराज कौन और अहंकार का यमराज कौन भक्त के लिए लॉजिक तकलीफ़ नहीं देता वह बच जाता है उन सब बातों से वरना अपने ही तर्क में उलझकर वह उन टेंडेंसी से वृत्तियों से कभी मुक्त नहीं हो पाता जो महाजीवन में बाधा बनती हैं ना सिर्फ़ पृथ्वी पर बल्कि आगे की यात्रा में भी फोर्स है फोर्स के प्रति प्रेम है भक्ति है तो बड़ी सहजता से वो बच जाता है जिन चीज़ों से बच गया उस पर मनन करके ही वह जान पाता है वरना तो पता भी नहीं चलता कि हम किन किन चीज़ों से बच गए कितना शुभ है किसी के अंदर भक्ति का जगना उसके प्रति शुद्ध श्रद्धा का जगना क्योंकि अंधश्रद्धा के आगे शुद्ध श्रद्धा का जन्म होता है महाजीवन के लिए यह जन्म होना आवश्यक है शुद्ध श्रद्धा जहाँ पर शर्त निकल गई है डाउट निकल गया है आँखें खुल गई है अंधभक्ति नहीं है जहाँ पर अपने अनुभव से जाना यही चीज़ मुक्ति दिला सकती है तो वह श्रद्धा जग जाए तो मोक्ष जल्दी आ सकता है महानिर्वाण निर्माण जल्दी हो सकता है जिसने मनन किया है वह एक क्षण भी गवाना नहीं चाहता जिसने मनन नहीं किया वो कितना भी खींच सकता है उसके द्वारा कितना भी समय गवाया जा सकता है महाजीवन का अर्थ है जहाँ जीवन का जन्म होता है जहाँ मृत्यु की मृत्यु होती है महाजीवन का अर्थ क्या है जहां जीवन का जन्म होता है यानी व्यक्ति की खरखर बंद होती है व्यक्ति अपनी मृत्यु के लिए तैयार हो जाता है उस भक्ति में तब जन्म होता है उस जीवन का तब जीवन खुलकर अभिव्यक्ति करेगा अभी कैसे कर रहा अभी उसकी अपनी महत्वकांक्षाएं जो व्यक्ति बनकर तैयार की है अपने आप को कुछ और मानकर कुछ इच्छाएं रखी कुछ और मानकर जो नहीं थे शकुंतला मानकर शकुनी मानकर राम अपने आप को शकुंतला मानकर शकुनी मानकर कुछ इच्छाएं जगाए अरे मुझे तो पासे चाहिए खेलने के लिए शतरंज खेलनी है प्यादे चाहिए तो पहले अपने आप को शकुनी माना गया फिर एक महत्वाकांक्षा जगाई गई और उस महत्वाकांक्षा के साथ कुछ डर आ गए और जो एम एस वाई इस्तेमाल किया जा रहा है उसमें कुछ टेंडेंसीज है बेहोशी है सबका मिला जुला असर क्या होगा जीवन का जन्म नहीं हो पाता इतनी आसान चीज भी पूरा समय ले लेती है पृथ्वी का इंसान अंध श्रद्धा अज्ञान में ही पृथ्वी से चला जाता है महंगा सौदा कर लेता है जहां ये तैयारी हो गई मनन करने की वहां जीवन का जन्म होता है और मृत्यु की मृत्यु होती है मृत्यु की मृत्यु कैसे होगी जब मृत्यु को जान जाओगे तब घोषणा निकलती है कि अब हमारी कोई मृत्यु नहीं है हमारे जीवन से मृत्यु निकल गई क्योंकि जीवन का जन्म हुआ महाजीवन में क्या क्या होता है और जो आदतें हमें डालनी है महाजीवन के लिए उसका जिक्र किया गया ट्रेनिंग्स मिल जाए जीवन के लिए तैयार हो जाए मृत्यु की मृत्यु हो जाए जीवन का जन्म हो जाए तो फिर आप समझ पाओगे उस हर एमएस को जहां से कुछ पंक्तियां निकली जो इलॉजिकल थी और इलॉजिकल सुनकर आप छोड़ नहीं दोगे जो आज तक करते आए कई लोग ये करते आए हैं छोड़ देते लॉजिकल सुना तो छोड़ देते हैं उनको अपने तर्क पर ज्यादा भरोसा होता है क्योंकि उस तर्क से तो जीवन में अतिश जीवन में बहुत कुछ प्राप्त किया है तो उस पर ज्यादा भरोसा होता है तो बात सुनकर जल्दी मनन भी नहीं करना चाहता समझे हम कि इस महाजीवन में जहाँ जीवन का जन्म मृत्यु की मृत्यु हो गई वहां पर क्या होता है इंसान गोलाई में जीता है गोलाई गोल गोल घूमता है और उसमें मृत्यु भी आती है जीवन भी आता है जीवन मृत्यु का खेल चल रहा है गोलाई में है इसलिए दूसरी चीज सामने आती है जीवन आया है मृत्यु आ रही सम्मान हो रहा है अपमान पीछे आ ही रहा है उस गोलाई में घूमते घूमते अपमान भी दिखाई देगा दुख दिखाई दे रहा है सुख आ ही रहा है सुख देखा तो दुख आ ही रहा है तो इसके अंदर जब आप घूम रहे हो तो महाजीवन नहीं है जहां अगला शब्द तो हाजिर है ही थोड़ी देर के बाद वो हमें दिखाई देता है किसी के जीवन में एक हफ्ते के बाद एक साल के बाद दस साल के बाद समय बीच में कोई भी हो तो इस गोलाई से जब हम मुक्त होते हैं तो महाजीवन हमें प्राप्त होता है महाजीवन कहाँ है सेंटर पर है उस गोल के धुरी पर है चक्का होता ना उसकी धुरी होती है सेंटर पर जो नहीं घूमती वो स्थिर है जो स्त्र है वहां पहुंचना महाजीवन है वहां से हम छूटकर उस गुलाई को जो पकड़े हुए है ऐसा सोचो लोग पकड़े हुए उस गुलाई को उस गोल चक्र का और कितना आसान है महाजीवन तक पहुंचना उस सेंटर तक पहुंचना कितना आसान है उनको हाथ खोलने थे सिर्फ और हाथ खुले रहना नॉर्मल है नेचुरल है उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता इतनी भी तकलीफ नहीं है उल्टा पकड़ा है इसमें कुछ करना पड़ रहा है कुछ जो करना पड़ रहा है पकड़ने में मगर महाजीवन तक पहुंचने में तो उतना भी कष्ट नहीं है सिर्फ वो पकड़ छूट जाए सिर्फ समझ में आए कि सेंटर पर ही जाकर वो सुरक्षित है पक्का होना कितना इंपॉर्टेंट है हाथ छोटा नहीं कि वह सेंटर पर पहुंच गया और सेंटर पर पहुंच गया तो गोलाई जो पहिया है फिर पलट जाता है फिर अब उस गोलाई का आकर्षण शुरू होता है फिर लटक रहे थे हाथ छोड़े के पहुंच गया सेंटर पर सेंटर पर पहुंचा के उलट गया पहिया अब उस गोलाई से आकर्षण परिधि से आकर्षण अब यहाँ अगर उसने अपनी चेतना को बरकरार नहीं रखा तो क्या होगा वापस चला गया गुलाई में महाजीवन से हट गया तो ये जो चल रहा है चक्र ये जब पूरा दिखाई देगा कि कैसे एक क्षण पहले हम चेतना के उच्च स्तर पर थे और ऐसे विचार आ रहे थे जो पहले कभी नहीं आए आश्चर्य कर रहा था व्यक्ति कि ये कैसे हो रहा है वो आश्चर्य करके तो कह रहा था बस अब तो सब समर्पित करना है ऐसी भाषा चल रही थी इसकी और अगले बल बोलता है नहीं ऐसा नहीं है तो चक्र उलट गया तो उस सेंटर पर स्थापित होने के लिए निरंतर देखते रहे सेंटर पर है कि नहीं सेंटर से हट गए क्या जो होश में होगा वही रह पाएगा जो होश में नहीं है वापस चला जाएगा तो कितनी आसान चीज इतनी कठिन बन गई इससे आसान और कुछ भी नहीं महाजीवन प्राप्त करना इससे आसान कुछ नहीं सांस लेना भी थोड़ा डिफिकल्ट है उससे आंख झपकना भी थोड़ा डिफिकल्ट है उससे भी आसान उस सेंटर पर पहुंचना इसको ऐसे समझो आप आईने के सामने खड़े हो और खड़े होकर कुछ कल्पना कर रहे अभी मैं कॉलेज में जाऊंगा ऑफिस जाऊंगा ये होगा वो ये पूछने वाला खड़े तो आईने के सामने हाँ आपका चेहरा भी है उधर दिख रहा है मगर ये होते हुए भी कहाँ दिख रहा है आपका चेहरा आपको नहीं दिख रहा कि आप एक कल्पना में हो आंख आईने पर ही है आप जानते हैं ना जब कोई पर्सन सोच रहा होता आपकी तरफ ही दिख रहा होता है मगर कुछ और सोच रहा है तब उसको हाथ घुमाते हैं भाई क्या है कहाँ हो तो ये ऐसा ही है कि आईने के सामने पर्सन खड़ा है और अपनी कल्पना में है और कल्पना से बाहर आने में करना क्या पड़ता है कितना डिफिकल्ट है कल्पना से बाहर आना किसी ने हाथ घुमाया क्या आप कहते हैं अरे मेरा चेहरा है सामने कितना आसान है और ये आसान होना ही उसकी डिफिकल्टी बन गया कि वापस पर्सन कल्पना में चला जाता फिर कोई दृश्य याद आया कोई वस्तु देख ली कोई आवाज़ कान पर पड़ा वापस उसी में चला गया तो ये कल्पना में जाने की हैबिट टूटेगी तो ये आसान है पहचान बढ़ेगी तो ये आसान है पहचान पहचान किसकी यमराज की पहचान किसकी जो तालाब में जाल फेंकने आया है मछलियां तैर रही चारों तरफ और मछुआरा आया उसने जाल फेंका और आप जानते हैं मछुआरा जब जाल फेंकता है तो अपने से दूर फेंकता है अपने पास में नहीं फेंकता है वो दूर फेंकता है तो जो दूर है मछलियां वो फंस जाती है कुछ मछलियों को ट्रिक मालूम पड़ जाती है मछुआरा आया ना तो उसके नजदीक ही जाने का तो मछलियां उसके इर्द गिर्द घूमती है और बच जाती है जब मछलियां दूसरी मछलियों कहती है अरे तुम दूर मत जाओ भागोगे तो फंस जाओगे कितना आसान रहस्य है मृत्यु से भागोगे तो फंस जाओगे तो मृत्यु से भागो तो <laughs> तो से भागा मत दर्शन करो मछुआरे के नजदीक आओ वहीं रहो फिर एक बार ये कला आ गई तो वो निश्चिंत अभी मृत्यु नहीं है अब माया का जाल फेंका जाएगा मगर हम नहीं बजने वाले ये पक्का हो गया क्योंकि ये कैसे चलता है ये लीला कैसे चलती है ये बिल्कुल साफ हो गया ये इंटरनली जहाँ पर भी साक्षात्कार हुआ वहाँ इंटरनली क्लियर होता है मगर जब दूसरे को बताना है तो कुछ उदाहरण कुछ एनोलॉजीज कुछ कहानी कबीर कहेंगे दो पाटन के बीच में साबित न खोए दो पाटन के वो चक्की देख रहे गेहूं पीसी जा रही है तो उनके बीच में जो भी आया पिस गया कौन सी गेहूं बच गई जो सेंटर पर थी <laughs> कबीर था उसके समय में जो चक्की देखी जाती थी वो उन्होंने कहा माया की चक्की है ये जीएस के साथ रहने वाले मछुआरे मच्छी फसाने वाले लोग तो वो कौन सी भाषा समझेंगे उनको उनकी भाषा में बताया जाए कि क्या करना है तुम्हें तुम्हें अपने फेत को डगमगाने नहीं देना है तूफान दिखेंगे नाव पलट जाएगी किसी भी क्षण मगर तुम्हारा विश्वास अटल चाहिए अटूट चाहिए बेशर्त चाहिए तो जो लोग सुन पाए जी को पहचान पाए उनके लिए बहुत आसान हो गया जो नहीं पहचान पाए वो अपने तर्क में उलझे रहे उनको लगा हमने समझा मगर आप जानते हैं उन्होंने क्या समझा तो गोलाई से मुक्ति सेंटर पर आना यह है महाजीवन और महाजीवन से हम हट क्यों जाते हैं कौन सी टेंडेंसी है कौन सी कल्पना है उस कल्पना को जान ले कि मैं कौन सी कल्पनाएं करते रहता हूं गलत कंपनी में हूं शेख चिलियों के कंपनी कैसी है ग्रुप कैसा है मेरा शेख चिली भरे उसमें तो ये होने ही वाला है शेख चिली आप जानते ना क्या कल्पना करता है जो आटा थोड़ा बहुत था वो भी उसने गवा दिया जिस डाल पर बैठता है उसको काटता है तो वो आप जानते हैं आप कहते छोड़ो वो है हमारा मन कितना निर्मल हुआ है हम कितना जल्दी विचारों को पकड़ लेते हैं और छूटते हैं नहीं विचार मृत्यु का कोई डर आ गया तो लोग जीवन भर मृत्यु का डर लेकर बैठते हैं कोई आसपास में गुजर गया कोई रिश्तेदार गुजर गया हम जिंदगी भर मृत्यु से भाग रहे हैं कहीं फिर से वो घटना सामने ना आए तो वो मैंने जो दुख बर्दाश्त किया है वो मैं वापस नहीं देखना चाहता ऐसा ना हो वो उस डर में ही पूरा जीवन काट लेते हैं वो जिए कहां वे लोग तो जिए नहीं वो तो मरे ही रहे जीवन जीना है तो मृत्यु को समझा होता मृत्यु हुई तो एक मौका आया था देखने का धन्यवाद दिया गया हो तो किसी का बेटा मर गया बेटी मर गई दामाद मर गया बहू मर गई जो भी मरा तो अपने आप से क्या पूछे वो जैसे कि कोई आपको ढोलक दे दे ये ढोलक लो बजाओ और आप ढोलक लो गले में डालो और बजाओ ही रखो थोड़े समय के लिए दे दिया और फिर कुछ समय के बाद आके ढोलक वापस करो तब तो रोने वाले हो क्या धन्यवाद देने वाले हो धन्यवाद देने वाले हो खरे इतना समय तो दिया जितना समय भी दिया कृपा हुई इतना समय तो दिया बेटा मिला बेटी मिली एक समय तक मिला हमने क्या किया हमने डोल बजाया उससे हमें संगीत का ज्ञान मिला वो बजा बजा कर हमें समझ में आया सुर क्या होता है ताल क्या होता है संगीत क्या होता है ये तो कृपा हुई वरना हम कैसे जानते ये रिश्ते नहीं होते तो कैसे हम तेज प्रेम को जानते तो ये तो कृपा हुई हमें ये चीजें मिली तो जितने समय तक भी मिली उसके लिए आप धन्यवाद दोगे इतना समय हमें मिला हमने बजाया और जब ले रहे तो आप धन्यवाद के साथ दोगे कंप्लेन नहीं कर लोग जिंदगी पर कंप्लेन करते रहते ईश्वर ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया ईश्वर ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया अरे पूरा देखो तो सही पूरा देखो तो सही हुआ क्या तुम्हारे ऊपर जो कृपा हुई तुमने अभिशाप बनाया उसे जो समय मिला था उसको तो भूल गए जो संगीत सीखा उसको तो भूल गए याद यही रहा कि लेकर गया छिन कर गया नहीं दे रहे थे छिन कर गया फिर यही याद रहा अगर हेलीकॉप्टर के एंगल से देखते तो अरे धन्यवाद इतना समय तो हमें मिला हमने बजाया उसका आनंद लिया तेज प्रेम क्या होता है हमने जाना वो तेज प्रेम तो नहीं लेकर गया आपके अंदर जो तेज प्रेम जगह उसको तो नहीं लेकर गया आपको जो संगीत का ज्ञान मिला उसको तो नहीं लेकर गया वो तो अब भी तुम्हारे अंदर है आनंद लेना चाहो तो अभी भी ले सकते हो मर लोग कहेंगे नहीं ये बुरा हुआ ये गलत हुआ ऐसा नहीं होना चाहिए ईश्वर है ही नहीं <laughs> और मृत्यु आखिरी सत्य है मृत्यु ही है क्यों ये सब करना है ये क्यों करना हो क्यों ये ज्ञान अधूरा ज्ञान लोगों को तकलीफ देती रहा तकलीफ देती रहा किसी स्कूल में आप जाओ जहां बच्चे बहुत उद्दम मचा रहे वो चीख रहे चिला रहे फिर क्या आप ये कहोगे मुझे लगता है इस स्कूल का कोई प्रिंसिपल नहीं है ये स्कूल है ना इसका कोई प्रिंसिपल है ही नहीं ऐसा कहोगे अगर स्कूल है तो प्रिंसिपल होगा उधर वो मौन में है तो कुछ कारण होगा <laughs> वो देख रहा है फिर भी नहीं बोल रहा है उन बच्चों को ऐसे मत करो वैसे मत करो मौन में है तो कुछ कारण हो गया मतलब लोग अपना लॉजिक कैसे बताते हैं और कितना परफेक्ट लगता है उनको लॉजिक स्कूल में अगर प्रिंसिपल होता है तो बच्चे ऐसे कि मारपीट कर रहे ऐसे क्यों किसी ने सुसाइड कर ली मैं जो समझदार होगा कि कुछ बात है जो हमें नहीं मालूम हम इस स्कूल को नहीं जानते हैं हम इंटर करें देखें सजगता के साथ पूरा सिस्टम क्या है तो पता चलेगा कि कुछ खास ट्रेनिंग चल रही है उस वजह से कुछ ढील दी गई है और बात पकड़ में आई तो वो जो डर था मौत का वो टूट गया जो अज्ञान था वो टूट गया जो अविश्वास था ईश्वर पर वो गिर गया तब तेज विश्वास शुरू होता है वरना ईश्वर को मानने वाले भी अविश्वास में है और न मानने वाले भी अविश्वास में है अतेज विश्वास है भाव जानकर जो पूरा जानकर जब आपको पता चलेगा तो होगा तेज विश्वास तेज आस्तिक वरना नास्तिक और आस्तिक कैसा वो उसी गोलाई में है थोड़ी देर पहले आस्तिक है फिर नास्तिक है मेरे ये काम नहीं हुए अब मेरा विश्वास चला गया मेरा ये काम हो गया विश्वास आ गया तारीफ मिली तो विश्वास आ गया डांट लिया विश्वास चला गया अरे वो तकलीफ किस लिए थी वो देखना था वो दर्शन करना था अपने ही मन का दर्शन करना था हालांकि ये शिविर तो पहले ही होना चाहिए जब लोग आते हैं पहला शिविर यही रखना चाहिए मृत्यु मृत्युपराण जीवन <laughs> क्योंकि इसी से ही अर्जेंसी लोगों को दिखेगी अरे फिर टेंडेंसी से मुक्त होना इतना आवश्यक है तो लोग बोलेंगे बस फिर हमें चाहिए कौन सी वृत्ति किससे में मुक्त होने वाला हूं और ये इसलिए जरूरी है क्योंकि इस एम एस वाई में नहीं हो पाया रास्ते पर नहीं चल पाया रस्सी पर कैसे चल पाएंगे इस बॉडी के साथ ही वह ट्रेनिंग हो सकती है कुछ अड़चने डाली जाती है जब बेड़ियाँ डाली जाती है हथकड़ी डाली जाती है और फिर भी को कहा जाता है चित्र बनाओ फिर वो जो बना पाता है जिस दिन बना पाता है उस दिन कहता है अब मेरे लिए अगर हाथ खुले रहे तो कुछ भी असंभव नहीं है अगर अभी हाथ खुल गए तो कुछ भी बनाना असंभव नहीं है ऐसा विश्वास जगेगा पृथ्वी पर ही विश्वास जग जाए कि आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है ये पृथ्वी पर ही विश्वास जग जाए हर साल आता है उस विश्वास को बढ़ाने आता है कि तुम माया में जाते हो जाल में फंस जाते हो गलती क्या करते हो मछुआरे से दूर चले जाते हो फिजिकली दूर होना मेंटली दूर होना एग्ज़ाम्पल से समझना है कि कोई नज़दीक भी है मगर मेंटली दूर है तो वो भी माया में फंस जाता है कोई दूर है मगर मन से जुड़ा हुआ है वो नज़दीकी है वो नहीं फंसता उदाहरण तो बाहर का दिया जाता है उसमें तो हम फिज़िकली समझ पाएंगे वहाँ मेंटली नहीं समझ पाते मगर समझें कि कैसे हमें महाजीवन में टिके रहना है सरश्री जो बता रहे हैं यानी यही बताना ऐसा नहीं है जब तक सही लोग सामने नहीं आते तब तक वे चीजें कहीं भी नहीं जा सकती चेतना हमारी कैसी है मृत्यु अल्प विराम है यदि मृत्यु फुल स्टॉप होती तो लोग कैसे जीते ये अल्प विराम है अगर मृत्यु ही फाइनल होती तो आप मृत्यु को राहत कहते मृत्यु तो फिर राहत हो गई कि उसके बाद सब खत्म हो गया इतने सारे जो जमेले है इससे जो बचना है लोग जो सुसाइड करते हैं, इसलिए करते ना अज्ञान की वजह से शरीर हत्या करते तो फिर राहत बन जाती मगर वो राहत नहीं है वो तो पड़ाव है बच्चा जवान हुआ किशोर हुआ बूढ़ा हुआ एक पड़ाव है बीच में यात्रा तो चलती रहती है जो लोग ये जान गए जो लोग अनुभव कर पाए कि जीवन में ही मृत्यु क्या है ये पकड़ में आ जाए जीवन में ही जीवन में ही मृत्यु का भय निकल गया मृत्यु तो हम रोज देख रहे हैं क्योंकि हमें महाजीवन जीना है कुछ लोग मृत्यु के लिए जीते हैं मरने के लिए जीते हैं विश्व में देखोगे ना अधिकांश लोग देखोगे मरने के लिए जीते क्यों मरना है उनको विचार था मरना है तो वो लोग मरने के लिए जीते हैं कुछ लोग हैं जो जीने के लिए मरते हैं महाजीवन जीने के लिए मरते हैं डर डर कर नहीं मरते महाजीवन जीने के लिए मरते हैं तो आपको डिसाइड करना है आपको कहाँ रहना है अहंकार को बचाना है मच्छर को बचाना है या इसको जाने देना है फोकस हटाना है साधना में पकना है जब पक जाओगे तो ये समस्या आपकी सुलझ जाएगी किसको कौन सा संदेश देना है जो लोग मर रहे हैं उन्हें जीवन का जीने का संदेश देना है जो लोग जी रहे हैं उन्हें मृत्यु का संदेश देना है जो लोग मर रहे हैं उन्हें जीवन का संदेश देना है जो जी रहे हैं उन्हें मृत्यु का संदेश देना है और उनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो असली सत्य चाहते हैं उन्हें जीवन मृत्यु से मुक्ति का संदेश देना है जो जिस लेवल पर है उसको वह संदेश मिले बार बार ये समझाया जाता है कैसे लोग तर्क में उलझे हुए हैं अपहैज के लिए तर्क बैसाखी है अपहिज के लिए तर्क बैसाखी है जो तर्क ही इस्तेमाल करते रहते हर ना हर जगह समझ जाना अपाहज है हेड और हार्ट दोनों इस्तेमाल जो करता है वो अपाहज नहीं होता जो खाली बुद्धि में है वो अपाहिज है एक टांग चल रही तो अपाहिज है और जो चाहते हैं कि हम तेज कदम उठाएं, उनके लिए तर्क बंधन है स्पीड ब्रेकर है और जो उड़ना चाहते हैं उनके लिए खोटा और जंजीर है खूंटी बांधते उसको पे जंजीर बांध के बांध देते हैं जब संदेश मिलेगा जब समझ में आएगी बात बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करना ऐसा नहीं बताया बुद्धि का तो इस्तेमाल करना ही है बुद्धि का तो उच्चतम उपयोग करना है उच्चतम उपयोग में पता चलेगा कि बुद्धि की लिमिटेशन क्या है जब वाकई कोई बुद्धि का उपयोग करता है तो उसको ये पता चलता है कि बुद्धि की लिमिटेशन कहाँ तक है इसके बाद बुद्धि काम नहीं कर पाती उसको समझ में आता है कि उसने वाकई बुद्धि का उपयोग किया तो फिर जो बैसाखी करके इस्तेमाल कर रहा है उसको सीढ़ी बनाने का ज्ञान दिया जाए इस बैसाखी को सीढ़ी बनाओ जो स्पीड ब्रेकर करके इस्तेमाल कर रहा है उसको आत्मनियंत्रण सिखाया जाए आत्मनियंत्रण कि जब स्पीड ब्रेकर आए तो हमें अपनी गाड़ी पर कैसे कंट्रोल करना है वो रुकावट न बने स्पीड ब्रेकर गाड़ी खराब ना करे अचानक ब्रेक लगाकर, और जो उड़ना चाहते हैं उनके लिए वो रस्सी बन जाए जंजीर नहीं कुएं से बाहर निकालने वाली रस्सी बन जाए कुएं से निकल कर हेलीकॉप्टर में जाना है तो कोई रस्सी दी जाती है ऊपर निकालने के लिए रस्सी पर ही डाउट है तो पर्सन पकड़ता ही नहीं डूबते ही रहता है कुएं में तो ये सब समझ में आएगा तर्क का उपयोग करेगा तर्क कहाँ लगाना चाहिए ये समझ आ जाए तो फिर उसका नुकसान नहीं होगा वो मृत्यु को जान पाएगा उसका लाभ ले पाएगा आगे बढ़ पाएगा तो ये बातें आपने समझी कि गोलाई से मुक्त होना है परिधि पर आना है दो पाटन के बीच में क्यों कोई साबित नहीं बचता और हमें लोगों को क्या संदेश देना है सेंटर पर रहने की कला क्या है मृत्यु एक्चुअली क्या है हमारा तर्क आज तक क्या कहते आया अगर ये ज्ञान सुनकर आपका वर्तमान नहीं बदलता तो फिर वो आपने सुनाई नहीं ये ज्ञान कैसा है जिससे तुरंत वर्तमान बदलता है हम जो कर रहे हैं उसमें एक अर्जेंसी आती है तो वाकई इस ज्ञान ने काम कर दिया तो इस तरह एक तैयारी करवाई गई आज जो आप कल्पना नहीं कर सकते उन बातों पर थोड़ा सा जिक्र किया गया तो कोई शब्द नहीं समझ में आए हो तो उसमें अटकना मत क्योंकि शब्दों में बताने का प्रयास ही किया जा सकता है क्योंकि हमारी भाषा है थ्री डायमेंशन की वैज्ञानिक भाषा आज आप जानते थ्री डी फिल्म देखे है वरना पहले किसी को कहते चौथा डायमेंशन बोले कि डायमेंशन क्या होता है ये आयाम क्या होता है तो भी आप बताते हैं ये लंबाई है ये चौड़ाई है ये गहराई है ये तीन आयाम है ये तीन डायमेंशन है इंसान इन तीन डायमेंशन में देख सकता है चौथा डायमेंशन उसको पता ही नहीं है कोई वस्तु देखता है तो बाहर से उसकी लंबाई है चौड़ाई है गहराई है मगर अंदर का बाहर देखे बाहर का अंदर देखे ये तो हमें मालूम ही नहीं है ऐसे तो कोई वस्तु को हम देख ही नहीं पाते ये चौथा आयाम होता है हमें तो पता ही नहीं है कोई विश्वास ही नहीं करे कैसे करेगा कभी देखा ही नहीं तो, तो कैसे विश्वास करेगा तो चौथे आयाम की बात ही नहीं की गई तुरी अवस्था की बात ही नहीं की गई स्वप्न की बात की गई जागरण की बात की गई नींद की बात की गई तुरी अवस्था तुरैयातीत अवस्था चौथी अवस्था चौथी जहां समाप्त होती है वैसी अवस्था वेद की अवस्था वेदांत की अवस्था वेद का भी अंत होता है सेवा का जैसे हमेशा मौका देते आए आज भी दिया हैवी थॉट्स श्री द्वारा दिया गया यह संदेश तेज ज्ञान का केवल परिचय मात्र है तेज ज्ञान नहीं तेज ज्ञान सर महाआसमानी महा आसमानी परम ज्ञान शिविर में प्रदान करते हैं इसका असली आनंद आप शिविर में भाग लेकर ले सकते हैं यह शिविर आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें साथ ही अपने अभिप्राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान और सर श्री तेज ज्ञान चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं धन्यवाद